नमस्कार मित्रों जय माता दी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तुला राशि वालों दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि माता माता रानी रानी कृपा से से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास विनते करते हैं कि हे माता रानी आप किसी को भी नाराज मत रखना किसी को भी उदास मत रखना दोस्तों बधाई हो आपके झोपड़ी के तो भाग्य ही खुल गए जी हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का महाचमत्कार होगा आज शाम थ्री ओ बजे के बाद आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि आपकी खुशी दोगुनी होने वाली है जी हाँ जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने आपकी झोपड़ी के तो भाग्य खोल दिए हैं अब आपकी झोपड़ी झोपड़ी नहीं रहेगी अब वह महल बनने वाला है जी हाँ अब आप महल में राज करोगे क्योंकि भगवान ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है कि आज शाम थ्री ओ बजे के बाद सूरज की तरह आप सभी का जिंदगी चमकने वाला है जी हाँ जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आज की इस वीडियो में 101% परसेंट सटीक भविष्यवाणी होने वाली है दोस्तों अब आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत सवरने वाली है क्योंकि दो बड़े देवता आपके साथ जुड़ गए हैं और यह दो बड़े देवता ब्रह्मा और विष्णु जी आपके घर को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे जी हाँ अब आपकी झोपड़ी महल का रूप लेने वाला है जी हाँ दोस्तों चमत्कार देखकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आज शाम थ्री ओ बजे से धन के देवता भगवान कुबेर जी ने चली अपनी नई चाल या दो बड़ी घटना आपकी जिंदगी को बदल देगी जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं चार दीवारी के अंदर ही वीडियो देखना तभी आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है और यहां तक आप आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं दोस्तों आपके मन में कभी कभी इस तरह के भी ख्याल आता है कि हमारे घर को शायद किसी की नजर लग गई है किसी ने हमारे घर को जादू टोना कर दी है तभी तो हमारे घर में ऐसा हो रहा है जबकि बाकी सभी के घरों में ऐसा नहीं होता है और यह देख देख कर यह सोच सोच कर आप बहुत परेशान हो चुके हैं जी हां दोस्तों इसलिए दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी ने इस परेशानियों को देखते हुए आपका फैसला कर दिया है कि इस राशि के जातकों ने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं, बहुत कष्टों का बहुत परेशानियों का सामना किया है लेकिन अब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है इन सभी कष्टों से अब आपको मुक्ति मिलने वाला है दोस्तों इन सभी से मुक्ति दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि धन के देवता भगवान कुबेर जी आपके खाली झोली भरने वाले हैं जी हां दोस्तों तैयार रहना आज शाम थ्री ओ क्लॉक के बाद नई चाल चलने जा रहे हैं इससे आपको लाभ ही लाभ होगा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी जी हां दोस्तों पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहने वाली है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज शाम थ्री ओ बजे के बाद आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव कौन कौन से परिवर्तन लेकर आने वाले हैं आपके 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 व्यापार व्यवसाय करियर बिजनेस आपके लव लाइफ स्वास्थ्य आपका पारिवारिक माहौल में व आपके दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से सुधार होंगे कौन कौन से परिवर्तन होगी इसकी जानकारी मिलेगी आपको केवल आज की वीडियो में इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाए कुबेर महाराज के साथ जय मां लक्ष्मी भी जरूर लिखें। इससे भगवान कुबेर जी के साथ साथ महालक्ष्मी और गुरु जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा दोस्तों आज शाम थ्री ओ बजे के बाद आपकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जी हां और कई ऐसी घटना होने वाले हैं लेकिन दोस्तों आपको इस घटना से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी घटनाएं शुभ होंगे क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी ने अपनी नई चाल चलने जा रहे हैं और वह आपके धान भाव में जा रहे हैं इससे साफ़ 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 पता चलता है साफ -साफ दिखाई देता है कि अब आपको लाभ होगा जी हां जो लोग मेहनत कर करके थक चुके थे सफलता नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को अब उसमें सफलता मिलेगी आपका मेहनत आपका प्रयास असफल नहीं होगा देखिए दोस्तों जीवन में कभी उतर कभी चढ़ा चलता रहता है हर समय एक जैसा नहीं होता है लेकिन मेहनत और प्रयास आपको निरंतर एक जैसा ही करते रहना है जी हां क्योंकि आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये लोग देखे या ना देखे लेकिन ऊपर वाला भगवान सब देख रहे हैं क्योंकि लिखता भी वही है मिटता भी वही है दर दर की ठोकरें खिलाता भी वही है और अंत में रह दिखता भी वही है क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले की महिमा महान है आज शाम थ्री ओ बजे के बाद आपके बिगड़े से भी बिगड़े काम बनेंगे जो काम बहुत दिनों से अधूरा पड़ा था आप अपने तरफ से उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे वह काम भी अब आपका बनेगा इसलिए दोस्तों आज आप सबसे पहले उन कामों को करने की कोशिश करें जो काम आपके लिए सबसे प्रिय है जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जरूरी है जी हाँ दोस्तों और एक बात हमेशा याद रखना जब आपका हिम्मत टूटने लगे हौसला कमजोर होने लगे तब आप चुपके से एक बार भगवान को याद करना और मन ही मन कहना हे hey प्रभु आप तो इस संसार का मालिक है सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु आप जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे क्योंकि दोस्तों जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है उन्होंने कुछ सोच समझ ही भेजा होगा बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और सच्चे मन से कहिएगा गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं इस समय की गृह स्थिति आपके मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है किसी भी विपरीत परिस्थिति का समाधान पाने में आप सक्षम रहेंगे घर में किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी। अपने आसपास के वातावरण में आपका प्रभुत्व बना रहेगा कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि मेहनत की अपेक्षा परिणाम अनुकूल नहीं मिल रहे हैं परंतु यह सिर्फ आपका वहम ही है धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में कर लेंगे घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे कोई भी व्यवस्था एक निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें एक गलत निर्णय आपके लाभ को हानि में बदल सकता है साथ ही लैटरी शेयर्स आदि जैसे कार्यों में अपना पैसा ना लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी आ सकती है काफी समय बाद किसी प्रिय संबंधी से मिलने का अवसर मिलेगा तथा आपसी मुलाकात खुशी और उमंग भरी रहेगी सोसाइटी तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी समय निकालना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे किसी भी नकारात्मक गतिविधि में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या चोरी होने जैसी आशंका बन रही है अपनी चीजों की संभाल खुद करें बिजनेस संबंधी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से व्यस्तता ज्यादा रहेगी बाहरी कामों को नजरअंदाज न करें ऑफिस में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से परेशान हो सकते हैं दूसरों की मदद से नुकसान हो सकता है दांपत्य जीवन मधुर रहेगा लव पार्टनर के साथ अकारण ही किसी बात को लेकर मन मुटाव की स्थिति बन सकती है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा युवाओं को भविष्य संबंधी योजना में किए गए प्रयास में उचित सफलता मिलेगी विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है कोई रिश्तेदार पीठ पीछे आपके लिए अफवाह फैला सकते हैं परंतु अपने गुस्से पर कंट्रोल करके शांतिपूर्ण तरीके से काम ले तो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी पारिवारिक मामलों में भी ज्यादा टोकाटाकी ना करें अपने व्यावसायिक संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें मार्केटिंग संबंधी काम बढ़ाएं। भविष्य में फायदेमंद साबित होने वाले हैं नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है व्यर्थ की गतिविधियों से खुद को दूर रखें किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात परेशानी का कारण बनेगी अचानक ही किसी मित्र के साथ संबंध खराब होने से मन व्यथित रहेगा धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी उन पर बेहतरीन तरीके से अमल भी होगा हालांकि मेहनत और व्यस्तता की भी अधिकता रहेगी नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिलेगा जो कि आपकी तरक्की के लिए भी सहायक रहेगा दांपत्य जीवन में और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी घर में भी सुखद माहौल रहेगा विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ाना मान सम्मान को हानि पहुंचाएगा समय अनुकूल है आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है ज्यादा लाभ की संभावना नहीं है परंतु आप अपना बजट संतुलित रखने में सक्षम रहेंगे अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रहेगा आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति रहेगी जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखना होगा अतः बजट बनाकर चलना जरूरी है साथ ही क्रोध और ईगो पर भी नियंत्रण रखें तो परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में आंतरिक व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है आप इसमें सफल भी रहेंगे आपकी योग्यता व काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आएगी जनसंपर्क आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे समय भाग्यवर्धक बना हुआ है बाहरी गतिविधियों में भी ध्यान दें इससे महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्म मनन और आत्मचिंतन जरूर करें नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से निश्चित दूरी बनाकर रखना ही उचित है आय के साधन तो बढ़ेंगे परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में परेशान होने की बजाय हल ढूंढना चाहिए व्यवसायिक मामलों में कुछ व्यवधान आने से चिंता रहेगी कर्मचारियों तथा स्टाफ के सहयोग से व्यवस्था उचित बनी रहेगी नौकरी में फाइल अथवा पेपर वर्क को पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है तनाव में आकर अधिकारियों से संबंध खराब ना करें पति पत्नी आपसी संबंधों में उचित सामंजस्य बनाकर रखें प्रेम संबंधों में समय और ऊर्जा नष्ट न करें आज कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है आत्मविश्वास और मनोबल की मदद से आप नई उपलब्धि की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे ये भी ध्यान रखें कि जल्दबाजी और भावनाओं में आकर कोई फैसला तुरंत न लें, अन्यथा कुछ गलतियां हो सकती हैं फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी पर भी भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें मार्केटिंग और मीडिया संबंधित गतिविधियों के लिए अच्छा समय है दूर दराज क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है ऑफिस में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा अपने गुस्से और जिद जैसे नकारात्मक स्वभाव को बदलना जरूरी है जिससे परेशानियां जल्दी हल होंगी किसी भी क्षेत्र में गुस्से और जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार कर ले बेहतर होगा कि आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ही ले तो ये आपके लिए बेहतर होंगे देखिए दोस्तों अगर आपका कोई काम उलझा हुआ है तो परिवार के सहयोग और सपोर्ट से पूरा हो जाएगा इसलिए आप सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा बनाकर रखें और अपना काम दूसरों से निकलवाने की कोशिश करें व्यवसाय में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें क्योंकि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं खासकर उन लोगों को जो लोग आपके अगल बगल के हैं जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास भरोसा कर रहे हैं आप सोचते हैं कि यह हमारा अपना है जिसे आप अपना समझते हैं वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इसलिए अपने निर्णयों को प्राथमिकता दें व्यवसायिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें नौकरी पेशा लोग ऑफिस की राजनीति से परेशान हो सकते हैं परिवार तथा बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करने का आपका निर्णय उचित रहेगा इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी घर के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और मार्गदर्शन को अपनी जीवन शैली में अपनाने से किसी बड़ी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी जी हां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले समय से आप अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ रहे थे लेकिन अब आपके साथ आपके पूरा परिवार खड़े हैं पूरा परिवार आपका साथ देंगे आपका पूरा परिवार आपके दोस्त आपके रिश्तेदार सभी लोग आपका साथ देंगे अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखोगे तो आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है इस समय उधार दिए हुए पैसे की वापसी भी मुश्किल है व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें क्योंकि बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है युवा वर्ग जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे डेली इनकम पहले से बेहतर होगी कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार करना जरूरी है नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है पारिवारिक गतिविधियों को व्यवस्थित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा दैनिक कार्यों को भी सुगमता से पूरा करने का प्रयास करेंगे घर में मेहमानों के आगमन से आवभगत में अधिक समय व्यतीत होगा संतान की किसी हरकत से मन व्यथित रह सकता है समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें दूसरों के मामलों में ना उलझे इससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है घर में मेहमानों की आवाजाही से समय और पैसा खर्च होगा रुके कामों में तेजी आएगी नई योजनाएं भी बनेंगी सपनों और महत्वाकांक्षाओं के लिए कोशिश करने का उचित समय है नौकरी में दिक्कतें रहेंगी दोस्तों ग्रहों की ऐसी चाल है ऊपर वाले की ऐसी कृपा है जो कि अब आपके जीवन में प्रेम की ज्योति जलने वाली है जी हाँ अब आपको अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है अब आपकी बरसों की तलाश पूरी होने जा रही है आपके बरसों के सपने सच होने वाले हैं क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं अगर किसी चीज की पाने की इच्छा आपके अंदर है और अपनी इच्छा के साथ साथ परिश्रम करते हैं दिन रात उनका सपना देखते हैं तो वह चीज एक ना एक दिन मिलकर ही रहता है तुम्हारा काम है सिर्फ सही रास्तों पर चलना और मेहनत करना मेहनत का फल देने के लिए ऊपर वाले ईश्वर बैठे हैं आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे जी हां अगर आप किसी का भला करोगे तो बदले में वह आपको भला नहीं करेगा आपका भला करने के लिए ईश्वर है जी हां और ईश्वर किसी भी रूप में आकर आपकी मदद कर सकते हैं इसलिए कहते हैं आप जिसको भला करोगे जिसको मदद करोगे बदले में आप उससे मदद की उम्मीद मत रखना क्योंकि वह आपको मदद नहीं करेंगे मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके प्रेम का फूल खिलने वाला है हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह संकेत है जो कि आज आपको मिलने वाला है किस तरह से आपको अपनी सच्चे प्रेम की तलाश पूर्ण होने वाली है आपको सच्चा प्यार मिलने जा रहा है पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें हर एक बात को कम लगाकर ध्यान से सुनें क्योंकि एक एक शब्द आपको बहुत काम आएगा जी हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है जी हां एक प्रकार से यूं कहे कि आपकी चारों तरफ खुशियां फैली हुई हैं दोस्तों आप अभी तक अपने जीवन में सच्चा प्रेम और सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं लेकिन अब आपका वह समय आ रहा है जब आपको कई बड़ी उपलब्धियां हासिल होगी जी हां अब सुखी जीवन जीने वाले हैं जी हां दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के एक अनमोल विचार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है समय समय में बदलती रहती है ठीक उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय में बदलती रहती है इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो बस समय का इंतजार करें क्योंकि समय जरूर बदलेगा अच्छे समय के बाद बुरे समय और फिर बुरे समय के बाद अच्छे समय यानी कि समय की पहिया घूमते रहते हैं और यह पीढ़ी सदियों से चली आ रही है दोस्तों भगवान श्री कृष्णा के यह अनमोल विचार से यदि आप प्रसन्न हैं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमारी आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि हम और हमारे गुरुजी दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में स्पष्टता बनाए रखने के लिए रहेगा कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे आप छुटपुट लाभ के अवसरों पर भी बड़ा ध्यान देंगे वाणिज्यिक विषयों में आप बेहतर रहेंगे प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा आपके लंबे समय से रुके हुए कामों को गति मिलेगी और माता पिता के आशीर्वाद आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है विद्यार्थियों में यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है आपको एक के साथ किसी दूसरी नौकरी का भी ऑफर आ सकता है शासन व प्रशासन के मामले में आपको तेजी दिखानी होगी व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी आप अपने घर के काम काज पर भी पूरा फोकस बनाए रखें आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा आप किसी काम में अनुशासन पर चलें। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी इजाफा करेंगे दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें मस्त रहें दोस्तों अगर जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी जरूर लिखिएगा इस समय आप दिल खोल कर खरीदारी कर सकते हैं भौतिकी विषयों में आपकी पूरी रुचि रहेगी निजी मामले आपके पक्ष में रहेंगे आपको किसी से अनावश्यक बातों में पड़ने से बचना होगा कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कामों का बोझ तो रहेगा लेकिन फिर भी अपने काम आसानी से कर पाएंगे सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है आपने यदि किसी को धन उधार दिया तो उसमें सावधानी बरतें व पूरी लिखा पढ़ी करके दें नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है सामाजिक विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा आपको परिजनों की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा कारोबार में आपकी पूरी रुचि रहेगी भाईचारे मजबूत होगा और आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे आपने यदि किसी से वादा या वचन भरा है तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करें रचनात्मक कार्यों में आप पूरा ध्यान देंगे आज का दिन आपके लिए आय में वृद्धि लेकर आने वाला है आप अपनी वाणी व व्यवहार पर पूरा फोकस बनाए रखें नहीं तो कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है परिवार के लोगों के साथ आपको सामंजस्यता दिखानी होगी घर में किसी शुभ व मांगलिक रर कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसके कारण आपके घर परिजनों का आना जाना लगा रहेगा आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है और आप किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है घर परिवार में आज दिन आनंदमय रहेगा रचनात्मक कार्य में आपकी खूब रुचि रहेगी मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है आपको छुटपट लाभ के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा कला व कौशल में सुधार आएगा और आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है संतान की तरक्की में भी कुछ बाधा आ रही थी तो वह भी दूर होगी विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरु चरणों से बातचीत करनी होगी आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है काम काज में सहजता रहेगी करीबियों की सलाह आपके खूब काम आएगी और किसी बजट बनाकर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा निवेश की आप पूरी तैयारी करके रखें त्याग व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी आप अपनी सोच समझ के आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा किसी बात को लेकर आपको तनाव हो सकता है लेकिन आप अपने कामों में डील न दें विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है आप आज किसी पर जल्दी भरोसा ना करें नहीं तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकते